साल 2018 से 2023 यानी पूरे 6 साल के अंदर चाइना के मांझे से कटकर के जो मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा 56 बताया गया है। लेकिन ये वो इंसानी आंकड़ा है जो कि पता लगा और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के थ्रू ये मालूम हुआ कि चाइना के मांझे से कटकर के मरने वालों की इंसानों की तादाद 56 हुई है। लेकिन कितने जानवर इससे मरे हैं, कितने परिंदे, कितने पक्षी इससे कटकर उनके मौत हुई है, इसका कोई आंकड़ा और कोई अंदाज़ा हमारे पास क्या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास भी अवेलेबल नहीं है। इस तरह के चाइना के मांझे हैं जो मार्केट में दस्तयाब होते हैं, मिल जाते हैं और लोग चोरी छिपे ही सही उनको बेचते और ख़रीदते नज़र आते हैं। लेकिन जब से प्रतिबंध लगा है इस डेडलीस्ट चाइनीज़ मांझे के ऊपर, तब से अब तक कई गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, छापामारी की भी कार्रवाई की जा रही है, जगह जगह से चाइनीज़ मांझे के ऊपर पुलिस दबिश डाल के पकड़ती भी है। मगर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये मांझा अगर चाइना का है तो चाइना का मांझा भारत कैसे आ जाता है, और अगर भारत के अंदर चाइना का मांझा बन रहा है तो फिर वो चाइना का कहाँ रह गया। सवाल बहुत बड़ा है जो मैं पूछ रहा हूँ कि चाइना से कोई मांझा ऐसे ही हवा में तो नहीं आ जाता होगा, आखिर किस रास्ते से आता होगा, कौन से कार्गो से, किस एयरपोर्ट से लाया जाता होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इससे मरने वालों की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है और तेज़ी से लोग कट के चाइनीज़ मांझे से अब तक अपनी जानें गंवा चुके हैं, जहाँ बहक हो चुके हैं होंगे। लेकिन क्योंकि इंसानों की बात जहाँ तक की जा रही है, गले पे जिस वक्त ख़ासतौर से मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाते में जब चाइनीज़ मांझा लगता है तो वो टूटता नहीं है, और न टूटने की वजह से वो स्लिट कर देता है यानी गला काट देता है, उससे मौत हो जाती है। चाइनीज़ मांझे से करोगे प्यार तो झेलनी पड़ेगी कानून की मार। जी हाँ, DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने ट्वीट किया था और बाकायदा उस ट्वीट में बताया था कि जो प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझे की चरखियाँ हैं वो इसी थाना हौसकाजी इलाके के जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आता है, इस इलाके से 67 चरखियाँ पकड़ी गईं और एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई जो कि चाइना की चरखियाँ, उस चाइनीज़ मांझे की चरखी बेच रहा था, वो भी गैरकानूनी तरीके से, क्योंकि ये प्रतिबंधित हो चुका, अब इसके ऊपर बैन हो चुका। यही वजह है कि पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिली तो पुलिस ने 67 चरखियां चाइनीज़ मांझे की पकड़ी, रोल पकड़े और उस शख्स को गिरफ्तार किया जो आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। अलावा इसके लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहां कहीं भी पतंगे बेची और ख़रीदी जाती हैं वहां पर पुलिस अनाउंसमेंट करा रही है कि किसी तरह से लोग चाइना की मांझे की चरखियाँ ना तो खरीदें और ना बेचें। अगर किसी भी दुकानदार के पास में इस तरह का कोई मांझा बेचता हुआ पाया गया या ऐसा कोई शख्स खरीदता भी मिला तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। एक बार सुनिए जरा किस तरह की अपील दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। भाई, तमाम दुकानदारों को सूचित किया जाता है दिल्ली पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से आदेश है कि चाइना का मांझा सरकार की तरफ से बैंड है। तमाम पतंग वाले दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के ऊपर चाइना का मांझा ना रखे और ना कोई यात्री इसको खरीदे। ये कातिलाना मांझा, ये कत्ल करने वाली चीज अपनी दुकानों के ऊपर ना रखे, और तमाम रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि अपने घरों के ऊपर ये चाइना का मांझा लेकर ना जाएं। ये कत्ल करने वाली चीज, ये कातिलाना मांझा, ये सरकार की तरफ से बैन है, मना है। यदि कोई भी व्यक्ति अगर चाइना का मांझा बेचते हुए पाया गया, ये कातिलाना मांझा कत्ल करने वाली चीज, तो उसके ऊपर सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी को सरकार की तरफ से सूचित किया जाता है और दिल्ली पुलिस की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति अपनी दुकानों के ऊपर चाइना का मांझा ना रखे। ये कत्ल करने वाली चीज, ये कातिलाना चीज अपने घरों पर लेकर ना जाए। ये कत्ल करने वाली चीज चाइना का मांझा अपनी दुकानों पर ना रखें और ना इसको बेचें। शुक्र है कि अब सरकार सचेत हुई है, दिल्ली पुलिस इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट है, खासतौर से चाइनीज मांझे को लेकर के। लेकिन पूरे प्रतिबंध लगने के बावजूद, इसको बैन किए जाने के बाद भी
कहीं ना कहीं चोरी छिपे बाजारों में अब भी मिल रहा है। खरीदार खरीद रहे हैं और बेचने वाले इसको अभी भी बेच रहे हैं। लाल किला नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आता है, लिहाजा लाल किले के आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हो, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हो या खुद नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हो, जामा मस्जिद के आसपास का इलाका और पूरी पुरानी दिल्ली में जो प्रतिबंध लगाया गया है 13 तारीख को, यानी अब जो सुबह में फुल ड्रेस रिहर्सल है उस वक्त से लेकर के दोपहर को 14 तारीख तक के लिए एक टाइम बाउंड रखा गया है, और ऐसे ही 14 तारीख की शाम से लेकर के 15 तारीख को 15 अगस्त 2023 के दोपहर के लगभग 11 बजे तक किसी भी तरीके की पतंगबाजी पर पुरानी दिल्ली में, लाल किले के आसपास के इलाके में, जामा मस्जिद पर कहीं भी पतंगबाजी पर रोक लगाई गई है, ताकि किसी तरह से लोग पतंगबाजी ना कर सकें और जश्न यौम आज़ादी 2023 में कोई खलल ना पड़ सके, उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। ख़ास तौर से जो काइट फ्लाइंग कटर्स हैं वो लगाए गए हैं। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अलावा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यानी दोनों ज़िलों में मिला करके जो रूफ टॉप्स लगाए गए हैं, पुलिस वालों को बाइनोकुलर दिया गया है, दूरबीन दी गई है, और साथ ही साथ में जो पतंग काटने के जो हैवी स्टैबिन कटर्स कहलाते हैं उन कटर्स को रखा गया है कि अगर कोई भी पतंग उड़ाता है 15 तारीख की सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर के 11 बजे के बीच में अगर कोई भी पतंग उड़ाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एक बार सुनिए जो पुलिस ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया है और जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से PA सिस्टम के ज़रिए लोगों को सचेत किया जा रहा है, बार बार उनको आह्वान किया जा रहा है कि ऐसा वो ना करें, कोऑपरेट करें और पतंगबाजी का उस वक्त तक जो टाइम बाउंड किया गया है तब तक पतंग ना उड़ाएं। एक बार सुनिए जरा पुलिस की उस अपील को। पुलिस मध्य जिला, आप सभी को सूचित किया जाता है, तमाम रहने वाले निवासियों को, कि 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त और 15 अगस्त तक कोई भी व्यक्ति अपनी छतों के ऊपर चढ़कर 12 बजे से पहले पतंगबाजी ना करे। यदि कोई भी व्यक्ति अगर 12 बजे से पहले अपनी छत के ऊपर पतंगबाजी करते हुए पाया गया तो उसको छत से उतारा जाएगा और उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, खुले तौर पर पुलिस ने इस बात का जोर दिया है कि लोग यानी पब्लिक ताउन करे, कोऑपरेट करे। अब आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 300 से ज़्यादा चाइनीज़ चरखियाँ हैं, और जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है ये दो लड़के हैं, एक जामा मस्जिद इलाके का रहने वाला और दूसरा लाल कुआं थाना हौसकाजी इलाके के कटरा गुलाम मोहम्मद का रहने वाला, 22 साल का फैज़ान और दूसरा 19 साल का यमन। ये दो लड़के हैं जिनके पास से 300 से ज़्यादा चाइनीज़ चरखियों के रोल मिले हैं। ये लोग चाइनीज़ चरखियाँ चुपचाप यानी मांझा धड़ल्ले से बेच रहे थे। जब क्राइम ब्रांच के एक फ्लाइंग स्क्वाड की टीम को मालूम हुआ तो क्राइम ब्रांच ने छापामारी करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया, और इनके पास से ये डेडलीस्ट मांझा, कत्ल कर देने वाला मांझा मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिस किसी के भी गले पर मांझा टच होता है उसका गला स्लिट हो जाता है, गला कट जाता है, बॉडी के किसी और पार्ट पर ख़ासतौर से मोटरसाइकिल स्कूटी चलाते हुए कहीं से गुजरते हुए, और मेनली फ्लाई ओवर्स पर देखा गया है कि जिस वक्त में ये डोर पड़ती है एक झोल सा आता है पे अगर लगता है तो गला कट जाता है और बंदा मर जाता है। यही वजह है कि क्राइम ब्रांच की टीम ने इन दोनों नौजवानों को गिरफ्तार किया अंडर सेक्शन 188-291 IPC की और सेक्शन 5 सेक्शन 15 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। DCP नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर जॉय टर्की क्या कह रहे हैं एक बार सुनिए ज़रा। ठीक है, हम लोगों ने भी बचपन में पतंगें उड़ाई हैं और यही सीज़न होता है 15 अगस्त के आसपास का, आज़ादी के साथ हम लोग पतंग उड़ा के उसका जश्न मनाते हैं। अभी कुछ सालों से देखा गया है कि बहुत सारा चाइनीज़ मांझा आ रहा है मार्केट में, और ये जल्दी टूटता नहीं है और इसकी धार भी बहुत तेज़ होती है, एंड वी हैव हैड सो मैनी इंसिडेंट्स, बहुत सारे लोगों की बहुत ग्रीवियस इंजरीज भी हुई हैं, और रिसेंटली आपने देखा जैसे छोटे बच्चे के जान भी चले गए इसमें। तो हम लोग इसमें रेगुलरली ड्राइव चलाते रहते हैं और मेरे यहाँ सब तरह का हम लोग वॉट एवर इज़ पॉसिबल हम लोग इसमें कर रहे हैं। एक तो हम लोग पर्चा देते हैं 188 का, 5-15 का कलंदरा बनता है जिसमें ऑलमोस्ट मतलब सज़ा 5 साल की है, रिपीट ऑफेंडर की 7 साल की सज़ा है, 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हर थाने में वी हैव इंश्योर्ड कि मुनादी कराएं, एक अवेयरनेस कैंपेन जिसमें लाउड ढेलर लेके हम लोग हर किसी के जो इस तरह के शॉप्स हैं वहाँ पे हम लोग
जो बसियां हैं जहां पतंग उड़ाते हैं वहां पे इस तरह की अवेयरनेस की इससे जानलेवा हो सकता है। ऑर्डिनरी आप सूत का धागा लेके भी पतंग उड़ा सकते हो, उतना ही मज़ा आएगा, वो करा रहे हैं। साथ के साथ हम लोगों ने ऐसे स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं ज़िले में, खासकर मेरे नॉर्थ ईस्ट ज़िले में, जहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट्स पहले रिपोर्ट हुए हैं, जैसे कि सीलमपुर फ्लाईओवर है, शास्त्री पार्क का इलाका आता है, तो आप लोग भी जाके चेक करेंगे तो वहाँ हम लोगों ने क्या किया है कि सड़क के दोनों तरफ जो खंभे हैं, तो सड़क के पैरेलल खंभों के ऊपर हम लोगों ने धागे बांधे हुए हैं, सो दैट अगर कोई पतंग कट के आती या कोई धागा नीचे गिरता है तो वो ऊपर टंग जाए, नीचे सड़क पे ना आए, बिकॉज फ्लाईओवर से जब नीचे आते हैं कई बार स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, एंड वी हैव हैड इंसिडेंट्स, पिछले साल भी इंसिडेंट हुआ था। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं और इसको एक तरह का मुहिम है, एक तरह का सोशल हमारा ड्राइव है, अवेयरनेस ड्राइव है, बिकॉज बहुत छोटे बच्चे भी पतंग उड़ाते हैं, कई बार पतंग कट के आती है, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से कट कर आया, इंसिडेंट होने के बाद अगर हम ढूंढना चाहें कि किसने पतंग उड़ाई थी तो समटाइम्स दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरी बात जो आपको और हमको सबको अपने जहन में ज़रूर निश्चित तौर पर रखनी होगी, जिस वक्त भी आप टू व्हीलर चलाते हैं, खासतौर से स्कूटर या मोटरसाइकिल, और बिजली की रफ्तार से जब आप दौड़ाते हैं, गले में कम से कम कोई रुमाल या किसी तरीके का कोई गमछा या फिर अजरक वगैरह लपेट के रखे, जैसे मैंने लपेटा हुआ है। इस वक्त में खास तौर से अगस्त के इस महीने में, 15 अगस्त ही नहीं बल्कि 15 अगस्त से आगे भी आप लोग इस पूरे महीने इसका इस्तेमाल करें, ताकि अगर आपके गले पर खुदा न खास्ता कोई चाइनीज डोर आकर के पड़ती है तो एटलीस्ट आपका गला महफूज हो सकता है, आप बच सकते हैं। ये बेहद नाजुक जगह होती है और कॉलर बोन के पास में, नेक कॉलर के पास अगर किसी भी तरह से ये मांझा आ जाए तो आप सोचिए जान बचनी भारी पड़ जाती है। एशिया के सबसे बड़े बाज़ारों में से पतंगबाजी का खरीदने और बेचने का ये सबसे बड़ा बाज़ार है लाल कुआं, और हर साल 15 अगस्त के दिनों में, यानी जब 15 अगस्त अप्रोच कर रही होती है, अगस्त का महीना आ रहा होता है, उससे पहले ही से जून जुलाई से ही बाज़ार सजने लगता है। दुकानों पर रंग बिरंगी पतंगे, चरखियाँ और इस तरीके का स्टफ खरीदना और बेचना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है जहाँ पर पतंगे खरीदी और बेची जाती हैं, जहाँ मांझा वगैरह मिलता है, होलसेल भी और रिटेल भी, सस्ते और अच्छे दामों में लोगों को यहाँ दस्तयाब होता है, मिल जाता है। इस बाज़ार में लोगों की जागरूकता के लिए थाना हौसकाजी का ये इलाका है, जहाँ पर के एडिशनल SHO इंस्पेक्टर ATO हैं मुकेश कुमार, किस तरह से इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पूरे जैगुआर टीम के साथ में गश्त किया जा रहा है, और साथ ही वो अपील लोगों से कर रहे हैं, वो अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों को 15 अगस्त जश्न आज़ादी 2023 मनाना है। रंग बिरंगी खूबसूरत पतंगे और हर साल नई नई तरह की आकर्षित करती फैसिनेटिंग पतंगे आपको नज़र आ जाएंगी, और ख़ास तौर से उस वक्त में कि जब, क्योंकि 15 अगस्त के दिनों में यानी अगस्त के महीने में बारिशें होती हैं, उसके लिए ये जो प्लास्टिक वाली सेलोफिन वाली आप पतंगे देख रहे हैं ना, ये बच्चों को भी और बड़ों को भी बड़ा आकर्षित करती हैं, इस इलाके में मिलती हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा लोग खरीदते हैं, क्योंकि 15 अगस्त आज़ादी का प्रतीक और साथ में तिरंगा झंडे वाली ये पतंगे बहुत जल्दी आती हैं और ये बिक भी जाती हैं। इनकी कीमत क्या है, ये तमाम आपको लाइव रिपोर्ट हिंदुस्तान लाइव पर कल मेरे साथ यहीं लाल कुआं से जुड़िएगा, ज़रूर दिखाऊंगा। इस लाल कुआं बाज़ार में हर तरह के ग्राहक के लिए, चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, सब के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। जो लोग पतंग का शौकीन हैं, पतंगबाजी करने के शौकीन, उनके लिए पतंगे मौजूद हैं, ख़ास तौर से छोटी छोटी बच्चियाँ और ये महिलाएँ जैसे आपको शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं रात के इस पहर में। वक्त देखिए, तकरीबन घड़ी में इस समय 2 बज चुके हैं, लेकिन बाज़ार सजा हुआ है, चाहे चूड़ियाँ हो, चाहे बच्चों की ये बंडिंग्स हो, ये हेयर बैंड्स हो, रिस्ट बैंड्स हो, फ्रेंडशिप बैंड्स हो, या इस तरीके की पगड़ी, कैप, सब कुछ पूरी तरह से तिरंगा मय है। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? कीर्तिनगर। कीर्तिनगर से? तो यहाँ लाल कुआं बाज़ार में हर साल ऐसे आना होता है? हाँ जी। क्या कुछ खरीदती हैं आकर? काइट्स हो गई बच्चों के लिए, ये बैंगल्स, फ्लैग्स, हेयर बैंड्स, ये सब खरीदती हैं इधर? हाँ जी। अच्छा, ले चुके हैं। तो सस्ता मिलता है, महंगा मिलता है? नहीं, सस्ता मिलता है। सस्ता मिलता है? हाँ। कीर्ति नगर वगैरह में नहीं है ऐसा कुछ? नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट का माहौल ऐसा होता है कि यहाँ विजिट करना अच्छा लगता है। एंड योर गुड सेल्फ, क्या नाम आपका? याशिका। याशिका,
आपका नाम? अमित वर्मा। अमित, आप भी आते जाते हैं? हर साल ही आते हैं जी। हर साल आते हैं। काइट्स के बहुत बड़े माहौल, कैसा माहौल लगता है यहाँ? बहुत बढ़िया माहौल लगता है, हम तो काइट के बहुत शौकीन हैं इसलिए हर साल ही यहाँ आते हैं। अच्छा। और फिक्स दुकानें ही है हमारी जिनसे लेनी है हमने। रेट्स वगैरह बहुत रीजनेबल और बहुत बढ़िया। रेट सुना है इस बार कुछ ज्यादा हाई हो गया? कुछ सारी चीजों के हाई हुए हैं, तो वो मार्केट इन्फ्लेशन है। अच्छा, लेकिन जश्न आज़ादी में कोई कमी नहीं हो? नहीं चाहिए इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। देखो, जो जो आप सेलिब्रेट करते हो त्यौहार, उसको अच्छे से मनाना चाहिए, खुल के बनाओ उसको। हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। एक और महिला है मेरे साथ में, क्या नाम आपका? काजल। काजल, काजल आप कहाँ से हैं? रोहिणी। रोहिणी, तो इतनी दूर से रोहिणी से रात 2:30 बज रहा है, हर साल ऐसे ही? हाँ जी। क्या कुछ लेती हैं यहाँ की? क्या पसंद है? मेनली काइट्स। मेनली काइट्स, अभी लिया? मैं दिखाऊंगा अपने स्क्रीन पर तमाम दर्शकों को। देखिए, महिला है लेकिन शौक पतंगों का है, उड़ाती भी है? चरखी पकड़ने का काम होता है। तो पेंच कौन काटता है? हस्बैंड। हस्बैंड काटता है। हाँ जी। कौन सी डोर से? कोई भी, जो हो घर में। चाइना का मांझा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसको तो बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, बहुत बहुत अनसेफ है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास में, और आप ये देखिए कि महिलाएं बच्चे सबसे ज़्यादा वो लोग जो सड़क के ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं, छतों पे होते हैं, और अचानक से चाइना के डोर मांझा एकदम आ जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का गला कटता है, छोटे छोटे मासूम बच्चे। मैंने आपको लास्ट ईयर भी दिखाया था किस तरह से इस चाइनीज़ मांझे की जद में आकर के किसी बच्चे का गर्दन कटी थी, किसी का थ्रोट यहाँ से कट गया साइड से, ये सब कुछ था। ऐसा मांझा बैन होना चाहिए कि नहीं? सर, बिल्कुल बैन होना चाहिए, और मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ पतंग का, लेकिन बिल्कुल चाइनीज मांझा बैन होना चाहिए। लेकिन ज्यादा काटने की होड़ में लोग कहते हैं चाइना की डोर मिल जाए, ये गलत बात है। अपनी सेफ्टी सबसे पहले, त्योहार मनाने के लिए होता है, दूसरे का नुकसान करने के लिए नहीं। आपने क्या लिया? मैंने काइट्स एंड फ्लैग्स। अरे वाह, ये देखिए बच्चियों के लिए, मैं कह रहा हूँ ना, छोटे छोटे बच्चियों के लिए इस तरीके के ये रिस्ट बैंड्स भी हैं, और ये लोग काइट्स मदर के और अपने फादर के साथ लेने पहुँचे। आप सोचिए, रात के 2:30 बजे का टाइम है, और यहाँ इस इलाके के अंदर जहाँ ये सब चूड़ियाँ वगैरह सामान सब मिल रहा है, वहाँ रोहिणी से भी, कीर्ति नगर से भी, और दिल्ली के NCR के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हम कहते हैं इस पर्व को खूब धूमधाम से मनाइए, जश्न आज़ादी को पूरे जोश और खरोश से मनाइए। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरानियाया YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। Facebook पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरानियाया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।